हेलो मोर ओआईटी फैमिली आपण समस्त जोहारी नमस्कार। आपण मैंने समस्ते केमती अच्छा मुशा कै मो प्रभु प्रार्थना कै आपण मैंने समस्ते बहुत भल रही आपण जहाँ भी प्रॉब्लम प्रभु आपण मानक अनुग्रह करूँ यह विश्वास करे प्रार्थना करे मुझे बहुत भल रही आपण मान भल पाइबा आशीर्वाद द्वारा। आज मु खंडगिरी बुले जा से वीडियो मु आपण मान सेयार करूछि आ बहुत लोग आम ओडिशा रे खंडगिरी बुली जाइथिबे आ बहुत लोग बुली भी जाय नथिबे ए माने देखिकि एन्जॉय करंतु। आ ये खंडगिरी जीवा मेन रास्ताटा देखुछि बहुत सुंदर रोड भी बहुत सुंदर भी देखा जाउछि। हेलो मेरी वाईटी फैमिली आप सब लोग को जोहार आप सब लोग कैसे हो आई होप यार आप सब लोग सही सलामत है। मैं मेरी गॉड के पास दुआ करती हूँ एंड बिलीव भी करती हूँ मेरी सारी वाईटी फैमिली मेरी फैमिली लोग सही सलामत है। वो लोग का जो भी प्रॉब्लम है गॉड वो लोग को हेल्प करे सही राह पे लेकर जाए ये भी मैं दुआ करती हूँ एंड बिलीव करती हूँ। ये उड़ीसा का बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है जो हम कहते हैं भुवनेश्वर में है ये प्लेस खंडगिरी कहते हैं। ये उड़ीसा का हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक ब्लॉग है बहुत मतलब बहुत हिस्ट्री है यहाँ का अंदर पत्थर से इसमें सब कैसे पहले का जमान का लोग सब बनाया और बहुत मतलब बहुत है बहुत जो पत्थर से ही इसमें सब कुछ बनाया है। और अंदर जाने के लिए टिकट काउंट करना पड़ता टिकट लेना पड़ता और 14 साल से नीचे बच्चा को हम जब गई थी उसी टाइम से तो टिकट नहीं ले रही थी लेकिन उससे बड़ा लोग को टिकट लेना पड़ता। तो हम लोग इवनिंग टाइम में गए थे तो इसलिए थोड़ा बहुत इतना क्लियर नहीं आ रहा था वीडियो फिर भी आप लोग आइए और एंजॉय करिए। और उसी दिन ना बहुत हवा मतलब क्या बताऊँ बहुत हवा था सब लोग मुझे कहते थे गिर जाओगे लेकिन मैंने बस वीडियो शूटिंग करने में ही चालू थी। और ये देख रहा है बहुत मतलब बहुत सुंदर प्लेस है देखने में लिए बहुत मतलब बहुत शांत लगेगा। ये भुवनेश्वर पे ही है भुवनेश्वर एरिया में है और जब भी आप लोग आओगे घूमने के लिए तो आप लोग आइए भुवनेश्वर घूमने के लिए। भुवनेश्वर में बहुत कुछ है टेंपल वगैरह और जो आप कहते हैं उसका आसपास इलाका में सब कुछ है खंडगिरी नंदनकानन लिंगराज टेंपल कोणार्क पुरी ये सब चंद्रभागा सब आसपास में है। तो जब भी आप लोग आना चाहते हो तो आइए घूमने के लिए दो तीन दिन में आप लोग पूरा एरिया घूम के जा सकते हैं। तो हम भी गए थे घूमने के लिए और बहुत अच्छा लगा घूमने के लिए बहुत थोड़ा बचपन में गई थी मैंने इधर जब मेरा भाइया उधर था स्टडी कर रहा था उसी टाइम में गई थी उधर तब तो भाइया ने मुझे लेकर गया इधर घुमाने के लिए लेकिन उसी टाइम ये सब पार्क वगैरह टिकट ऐसे कुछ भी नहीं था और इसी एरिया में ओपेरा टाइप ऐसे सब चालू हो रहा था तो उसी टाइम में गई थी। तो बहुत साल के बाद शायद 15-16 ईयर्स के बाद मैंने फिर दोबारा गई घूमने के लिए। तो उसके बीच में बहुत ही ये चेंज हुआ बहुत कुछ और ये पत्थर पहले टाइम तो बहुत कुछ अलग टाइप था अभी बारिश में धो के मिट्टी वगैरह ये सब हुआ ऐसे हुआ थोड़ा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूरत है। और जो भी पुराना फ्रेंड लोग है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन लोग तो बहुत बहुत दिल से थैंक्स देना चाहते। और ये आप लोग देख रहे हैं ना बहुत मतलब बहुत हवा आ रहा था देखने के लिए बहुत मस्त भी लग रही थी और ये इवनिंग टाइम पे था ना इसलिए और बारिश का मौसम भी था। और ये पूरा भुवनेश्वर सिटी थोड़ा बहुत से ऊपर से ऐसे ही मैंने कैच कर ली थोड़ा बहुत दिख रहा था टाउन वगैरह और मैं भी थोड़ा रील्स बना रही थी रील्स नहीं मैं तो ऐसे कुछ अपलोड नहीं करती लेकिन मैं खड़ी थी ना ऐसे ही कोई वीडियो बनाया था मैंने। तो खंडगिरी घूमने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है और
देखने के लिए, स्टूडेंट लाइफ एंड सब कुछ लोग के लिए जानना, हमारा इंडिया में जो हिस्ट्री टाइप का प्लेस वगैरह है सब, वो सब चीज़ हमको देखना के लिए बहुत अच्छा लगता है। देखना भी ज़रूरी है जो भी हमको टाइम मिलेगा तो। और ये सब पत्थर में उसी टाइम का लोग कैसे चूल्हा बनाया था, कुआ बनाया था, वो सब कुछ ऊपर ऊपर से ये भुवनेश्वर से भी देखिए ना, थोड़ा बहुत बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने के लिए। हमें थोड़ा बहुत ऐसे क्या चाहिए, मैं भी बहुत एंजॉय करूँ। इसी साइड में ये खंडागिरी है और ये जो टेम्पल देख रही ना वो देवगिरी कहते हैं, मतलब रोड का उसी साइड में था। ये सिटी वगैरह सब इधर जाने के बाद पूरा सिटी ही देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं भी बहुत एंजॉय की हूँ और थोड़ा बहुत, लेकिन हवा तो इतना था ना, आँख में बस धूल ही आ रही थी। और बहुत लोग गिर पड़ा भी, उठा पड़ा कैसे बैठ गया उधर। और मैं तो जितना मोटी हूँ कितना पतली हूँ आप लोग को मालूम है, मेरा हालत क्या होगा तो आपको आप लोग सोच सकते थोड़ा बहुत। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, बहुत लोग सेल्फी ले रहे थे क्योंकि टाइम भी इवनिंग के था, इसलिए उसी तरफ से हम साइड में घूम के आए। इधर सब लोग बैठने के लिए थोड़ा प्लेस है, बहुत सुंदर बनाया। और बहुत लोग इधर घूम रहे थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फैमिली के साथ ऐसे सब कुछ। और ये पत्थर से सब ये कैसे पहले का गुफा है, पहले के सब ये सब रूम वगैरह था, वो लोग कैसे सजावट किया, बहुत सुंदर से बनाया था। पहले जमाने का लोग बहुत ज्ञान, बहुत शांत, बहुत सत्य लोग थे। लेकिन अभी तो हम लोग थोड़ी ना ऐसे हो रही है, लेकिन कोशिश भी करेगा ना, दूसरा कोई हमको खींच के नीचे ही गिरा था। लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है खुद का लाइफ को बनाने के लिए, और खुद हीरा के जैसे चमकने के लिए आपका पास ही वो गुण होना ज़रूरी है। दूसरी के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं क्या करूँ क्या नहीं वो मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ मानती हूँ दूसरी कोई मुझे सजेशन देगा, सपोर्ट करेगा, कोई भी बात सही है। एंड देख रही है ना बहुत इधर हिस्ट्री छुपा है हमारा। उड़ीसा के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, उड़ीसा में बहुत टाइप का आगे है कल्चर के टाइप में, वो संस्कृति संगीत में और कलाकार में हर चीज़ में उड़ीसा थोड़ा आगे है इंडिया के लिए। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो बहुत एंजॉय की हूँ। बहुत साल के बाद मैं भी गई थी। पत्थर पत्थर से बहुत सजा बढ़ता पहले सब कैसे लोग राजा लोग जो उधर का सब लोग कैसे पत्थर से पत्थर को ही पत्थर का अंदर सब घर बनाया था, हॉल बनाया था, वो सब बहुत है। लेकिन थोड़ा बहुत तो टूटा लेकिन उसको रिपेयरिंग करके ही रखा। इसमें कौन सा राजा लोग का नाम वो सब मुनि ऋषि का नाम सब लिखा, वो सब बुढ़िया पे था। और ये पत्थर से कैसे बनाया था ये देखने में बहुत चमत्कार होता है। और कभी बच्चा लोग को लेकर आना ज़रूरी है, आप लोग जब घूमने के लिए आओगे तो, क्योंकि बच्चा लोग के लिए ज़रूरी है इंडिया में जो भी तो मिला कुछ भी करे तो लोग को ऐसे क्वेश्चन भी देना पड़ता है, अच्छा देना पड़ता है। इसलिए थोड़ा बहुत हम जब भी कुछ घूमने के लिए जाएंगे ऐसे कुछ कल्चर टाइप का चीज़ देखने के लिए, हिस्ट्री टाइप का चीज़ देखने के लिए फैमिली के साथ जाना उसी जगह में ज़रूरी होता है। मुझे ऐसे अच्छा लगता है फैमिली के साथ जाना, और जहाँ पे पार्टी फार्टी वगैरह डिस्को डांस वगैरह खाना पीना उसमें तो बच्चा लोग को लेकर जाने के लिए मेरे को भी पसंद नहीं है कि मैं भी ऐसे नहीं जाती मैं मम्मी पापा लोग के साथ। तो हम खंडागिर उसी साइड घूमा, फिर दूसरा साइड हम लोग आ गए। इवनिंग टाइम में था तो रात भी हो रही थी। आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर ऑल माई फ्रेंड्स।
मुंह ऊपर खुल गया।